गुड मॉर्निंग क्लास. टुडे इज योर इंग्लिश ग्रामर क्लास, चैप्टर 12, आर्टिकल्स. आर्टिकल. इन दिस लेसन वी विल स्टडी थ्री वेरी स्मॉल बट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज. ए एंड एंड द. वी यूज दिस वर्ड इन ऑलमोस्ट एवरी सेंटेंस दैट वी स्पीक और राइट. दे आर नोन एज आर्टिकल. एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट इज यूज टू पॉइंट आउट और रेफर टू अ नाउन. इन चैप्टर में बेटा स्टूडेंट्स हम क्या पढ़ेंगे, आर्टिकल्स पढ़ेंगे और उसमें थ्री इंपॉर्टेंट वर्ड्स बताए गए हैं, ए एंड द. वी यूज दिस वर्ड्स इन एवरी सेंटेंस और स्पीक और राइट में हम यूज करते हैं, उसे हम कहते हैं आर्टिकल्स. एन आर्टिकल जो है क्या होता है, किसी वर्ड को पॉइंट आउट करता है या फिर रेफर करता है नाउन को. जैसे कि एग्जाम्पल दिखाया गया, द बुक ऑन द टेबल, द टेबल इज माइन. तो द देखिए नाउन से पहले आया है हमारे पास, द बुक एंड द टेबल. माई अंकल गिफ्टेड मी अ कैमरा एंड एन अम्ब्रेला. काइंड्स ऑफ आर्टिकल. आर्टिकल आर टू काइंड्स, इनडेफिनिट आर्टिकल एंड डेफिनिट आर्टिकल. ए एंड एन ये दोनों हमारे क्या है, इनडेफिनिट आर्टिकल. और इसे हमेशा हम सिंगुलर नाउन, काउंटेबल नाउन से पहले यूज करते हैं विद अ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए को हम यूज करते हैं. इसी के एग्जाम्पल है अ बुक, अ बॉय, अ यूनिवर्सिटी. आप सोचेंगे अब यूनिवर्सिटी तो हमारा वोवल्स है, ए ई आई ओ यू जो हमारे होते हैं ये वोवल्स होते हैं, और वोवल साउंड वाले के आगे तो हमारा क्या आता है, एन. बट देखिए यूनिवर्सिटी तो ये बन रहा है यूनिवर्सिटी, है ना. तो जिसमें कंसोनेंट की साउंड आती है उसके साथ हम एन लगाते हैं. जैसे कि वन, वन में डब्ल्यू की वॉइस आ रही है वन, तो इसमें भी हम ए का यूज़ करेंगे, एन का नहीं, क्योंकि उसमें वो किसकी साउंड है, कॉन्सोनेंट की. और सिंगुलर नाउन से पहले और वोवल के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, एन यूज़ करते हैं. एन एलिफेंट, एन आर, एन एग. ए और एन जो है इंडिकेट करता है समथिंग और समथिंग समवन नॉट स्पेसिफिक, जो स्पेसिफिक ना हो वो इनडेफिनिट आर्टिकल होता है. जैसे कि प्लीज लैंड मी अ बॉल, ये स्पेसिफिक नहीं है, इट कैन बी एनी बॉल. द इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल बिकॉज इट इंडिकेट समथिंग और समवन इज स्पेसिफिक. ये स्पेसिफिक थिंग को या स्पेसिफिक पर्सन को क्या करता है, इंडिकेट करता है, और इसे हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं. एग्जाम्पल्स हैं द पुअर, द गोमती, द डेज. आर्टिकल द कैन बी यूज बिफोर सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका आर्टिकल द कैन बी यूज विद नॉन काउंट नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम द का यूज करते हैं. द मिल्क, द वाटर. यूज ऑफ द के बारे में पढ़ते हैं. वी यूज डेफिनेट आर्टिकल द बिफोर अ नाउन, नाउन से पहले, ओनली वन ऑफ इट्स काइंड. एक ही काइंड की अगर बात हो रही हो नाउन की. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. द मून इज वेरी ब्राइट. बिफोर सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पहले कहते हैं रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री. बिफोर ओनली वन डेट इन प्लेस, एक प्लेस की बात हो रही हो. वी लिव इन अ हाउस नियर सुगर मिल. और बिफोर ऑलरेडी मैंशन जो दे रखा है उसके बारे में. अ काउ इज स्लीपिंग अंडर अ ट्री, द काउ इज सिक. और बिफोर रेफरिंग इंडियन क्लास, क्लास के बारे में. पुअर रिच. लाइफ कैन बी हैंड फॉर द पुअर. बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ही प्लेज द टेबल, ही प्लेज द तबला वेरी वेल. और बिफोर सिस्टम और सर्विस, आई हियर इट ऑन द रेडियो. वी डू नॉट नो, वी डू नॉट नॉर्मली यूज द डेफिनेट आर्टिकल बिफोर नेम. नेम से पहले हम कभी भी यूज़ नहीं करते नॉर्मली, बट वी यूज इट बिफोर नेम ऑफ. किस किस नेम से पहले करते हैं, कंट्री की नेम से, ये किंगडम, स्टेट्स वगैरह हैव और प्लूरल नेम हो. फॉर एग्जाम्पल द यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड किंगडम, द रिपब्लिक चाइना. ओके, और ज्योग्राफिकल फीचर्स हों जैसे कि द हिमालय, द एटलांटिक, न्यूज़ पेपर और सम रिलीजियस बुक्स नेम, द हिंदुस्तान टाइम्स. वेल नोन बिल्डिंग जो हमारी वेल नोन बिल्डिंग है, द गेटवे ऑफ इंडिया. ओके, ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि द यूनाइटेड नेशन. होटल्स एंड रेस्टोरेंट के लिए यूज़ करते हैं द रिट्ज, द पिज़्ज़ा हट. फैमिलीज के लिए यूज़ करते हैं द टाटास, द ओबामास. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड. रीड दिस चैप्टर अगेन एंड अगेन. थैंक यू.